नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रॉन्कर, वो भी वेजिटेबल्स के साथ। तो फिर इसके लिए मैंने सारे वेजिटेबल्स को काट कर रख दिया है। इसमें है आलू, बैंगन और कच्चा पपीता, और मैंने अब अरहर दाल को भी अच्छे से धो कर रख दिया है। यह है अरहर दाल, इसको भी मैंने अच्छे से धो कर रख दिया है। आज मैं इसको प्रेशर में बनाऊँगी, तो इसके लिए एक प्रेशर लेना है। उसमें अब अरहर दाल को पहले ऐड कर देना है, फिर हम उसमें जो वेजिटेबल्स है उसको ऐड कर देंगे। अब उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर हम उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे, और हाई फ्लेम में ही पकाना है। एक व्हिसल आने के बाद हमें गैस बंद कर देना है। अब हमारा सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक गया है और दाल भी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम पहले हम जो प्रॉन है उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर हम उसको फ्राई कर देंगे। अब हमारा प्रॉन फ्राई हो गया है। अब हम उसको एक बाउल में निकाल लेंगे, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसको एक मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम उसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम उसमें जो बॉयल किया हुआ वेजिटेबल्स है उसमें डाल देंगे। अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी डाल सकते हैं। ये फ्राई किया हुआ प्रॉन मैंने डाल दिया है। आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए। इसे एक से दो मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। अब रेडी हो गया है हमारा प्रॉन करी विथ वेजिटेबल्स। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं क्या अगले नए वीडियो पे। टाटा बाय बाय।